let's learn today a new lesson, a new class, and lots of new topic because we are learning at Stamfordish because you want to learn English speaking in the fantastic way, in a very brilliant way. So, स्वागत है आप सभी का Stamfordish में जहां हम सीख रहे हैं English speaking वो बहुत ही fantastic और बहुत ही मनोरंजन के साथ हंसते खेलते. तो चलिए नजर डालते हैं आज के टॉपिक्स पे कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं. हमने तो ग्रामर सेशन में डिस्कस कर लिया है. तो हमने जो है ग्रामर सेक्शन के दौरान में डू डज कर लिया था, याद है कर लिया था. बट डू डज में अब भी बहुत सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो बाकी हैं जो आज हम करेंगे. डू डज का डिफरेंस जानेंगे कैन के साथ, डू डज का डिफरेंस जानेंगे डिड के साथ, डू डज का डिफरेंस और यूज जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से. तो बने रहिए जानने के लिए. तो देखते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम रिकैप करेंगे लेसन नंबर 9 का, कैन और कांट का. फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का कि आज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है. फिर हम बात करेंगे व्हेन कैन वी यूज पोलाइट फ्रेज, हम पोलाइट फ्रेज जो हमने सीखा है वो कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसके बारे में सीखेंगे, है कि नहीं. सो इसके बाद हम देखेंगे, बात करेंगे, हम रिकैप करेंगे आई यू वी ही शी इट का, दे का, ही शी इट का, और इस आई यू शी ही इट वी दे का इस्तेमाल करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम रिवाइज करेंगे एक बार कि इनका सही इस्तेमाल करना जो हमने सीखा था पिछली क्लासेस में वो क्या सीखा था. उसके बाद हम बात करेंगे एक वीडियो की, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कैटी की. कैटी अपने बीस्ट के बारे में बता रही है, बीस्ट मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और हम बात करेंगे इसके बारे में आगे. फिर हम बात करेंगे इसके बारे में डू डोंट डू डज इन सब के बारे में बात करेंगे. फिर हम अंतर जानेंगे कि डू डज में और कैन में क्या फर्क होता है. इस पर एक एक्सरसाइज भी आपकी किताब में जो इंग्लिश स्पीकिंग किताब है, इस किताब में जो सिर्फ आप बेंचमार्क को फॉलो करती है, इस बुक में कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम करेंगे आज यहीं पे करेंगे और फिर जूम पे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. देखूंगा कि आप देख के आए हो कि नहीं देख के आए हो. फिर हम बात करेंगे डाइस गेम की. आज जूम क्लास में आपको डाइस लेकर आना है. क्या लेकर आना है? डाइस. डाइस जानते हो क्या होता है वो हम बात करेंगे आगे. डाइस गेम खेलेंगे आज. फिर हम जंबल एक्टिविटी करेंगे, इस पर भी एक एक्सरसाइज है. फिर इसके बाद हम अपनी लर्निंग शेयर करेंगे ब्रेकआउट रूम में, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे और फिर हम अपनी लर्निंग शेयर करेंगे हमने क्या सीखा आज. यस, और वो इंग्लिश में ही सीखेंगे. आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे जो था हमारा रोल मॉडल वाला, उसका मैं अपना ओपिनियन अपना आंसर बताऊंगा. क्लियर है? फिर हम बताएंगे कि आखिर अगले क्लास में क्या सीखेंगे, मे मस्ट और माइट का एग्जाम्पल और इनके बीच में फर्क और इनका बेहतरीन यूज सीखेंगे. लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस पिरामिड वाले क्वेश्चन का आंसर कि ये पिरामिड सिर्फ 3 डॉट्स को मूव करके, सिर्फ 3 डॉट्स को घुमा करके कैसे इसको उलट सकते हैं. इसका आंसर भी आज के ही क्लास में मुझे देना है. तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं रिकैप का कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा. तो फटाफट बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखे कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा है, पिछली क्लास में आपने क्या सीखा है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में. पिछली क्लास में आपने क्या सीखा है, जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखें कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा है. जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में कि पिछली क्लास में आपने क्या सीखा. कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आना चाहिए कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो बच्चों पिछली क्लास में हमने बहुत सी चीजें सीखी है. हमने सीखा था रोल मॉडल वाला क्वेश्चन ऑफ द डे किया था. उसके बाद हमने सीखा था कि मूवीज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट रखता है और मूवीज से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं. हमने एक मूवी भी देखा, उस मूवी पे बात भी करी. मूवी जो है क्या है कि लैंग्वेज भाषा और स्टेटमेंट का एक चित्रांकन है. मतलब कुछ आप स्टेटमेंट पढ़ते हो ही इज गोइंग, तो मूवी में किसी को जाते हुए दिखाया जाता है कि हाँ वो जा रहा है. देखो वो जो जा रहा है, दिस इज ये जो हो रहा है दिस इज कॉल्ड वॉकिंग. तो ये
चीज चित्रांकन करके मैंने बताया, उसके बाद पिरामिड गेम हमने खेला है, उसके बाद हमने कमांड और रिक्वेस्ट की बात करी, उसके बाद हमने पोलाइट फ्रेजेस की बात करी कि पोलाइट फ्रेजेस कौन कौन से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इंटरेस्टिंग पोलाइट फ्रेजेस का। फिर हमने कैन के करेक्ट इस्तेमाल का कि कैन और कांट का सही इस्तेमाल क्या है, कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर हमने बात करा था। ठीक है, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को जल्दी से लिख लेते हैं फटाफट। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू लर्न फ्रॉम मूवीज। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे रिपीट मार दिया है इसीलिए जानबूझ के, क्योंकि इसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। हाउ कैन यू लर्न फ्रॉम मूवीज, आप मूवीज से कैसे सीख सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू बताना, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना और या पॉइंट्स बताना, कैसे एग्जाम्पल या पॉइंट्स देकर बताना है आपको कि आप मूवीज से कैसे सीख सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन को लिख लिया होगा। लिखा आपने कमेंट इस क्वेश्चन ऑफ द डे को, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, क्योंकि लिखने से आपका ही फायदा है, आप आज क्लास में कंडक्ट कर पाओगे। पानी लीजिए। पानी। तो उम्मीद है आपने ये चीज कर लिया, आपको समझ में आ गया कि इसको क्या और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है, ध्यान से लिखिए, फिर से लिख देता हूं, वो है व्हेन कैन वी यूज व्हिच पोलाइट फ्रेज हाउ। ये आपको ना एक सिनेरियो के थ्रू बताना होगा, सिनेरियो के थ्रू बताना है। सिनेरियो मतलब होता है कोई सीन, कोई मतलब सिचुएशन, हालात। तो व्हेन कैन वी यूज, कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हिच पोलाइट फ्रेज, कौन सा पोलाइट फ्रेज। मान लीजिए कि कोई आपको आपको किसी से कुछ पूछना है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम समवन और यू वांट अ हेल्प, देन व्हिच पोलाइट फ्रेज यू विल यूज। तो आपका आंसर होगा आई विल यूज, आंसर होना चाहिए आंसर आई विल यूज प्लीज। अब मान लीजिए सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो, आपको ये, आप इन सिनेरियोस को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो है कि आप जा रहे हो और आपको किसी इंसान को, बंदे को टोकना है, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग फ्रॉम अ पर्सन हुम यू डोंट नो और यू नो, आप जानते हो या नहीं जानते हो, तो आप कौन सा वाला इस्तेमाल करोगे पोलाइट फ्रेज। तो वहां पे आप इस्तेमाल करोगे एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है मुझे माफ करें, प्लीज चीज के बारे में बताएं आप। ठीक है, थर्ड सिनेरियो, मान लीजिए कि आपसे, आप क्लास में आने में थोड़े लेट हो गए, तो आप बोल सकते हो सॉरी सर, क्लास में आने से लेट हो गए, कहीं पहुंचने में लेट हो गए। ठीक है, तो आप सॉरी इस्तेमाल कर सकते हो। आप मान लो कि आप बुक लेके जा रहे हो या किसी हैवी मटेरियल को लेके जा रहे हो, वो सामान आपसे गिर गया, वो सामान आपसे गिर गया, या आपने बुक पकड़ा हुआ है और वो बुक किसी के पैर पे गिरा दिया, तो अब क्या बोलोगे आप, आई विल यूज पार्डन मी, मुझे क्षमा करें। ठीक है, पार्डन मी का इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है, कोई बंदा आपको गिफ्ट देता है, यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट, देन आई विल यूज
थैंक यू, ठीक है। और अगर कोई सिचुएशन आपको थैंक यू बोल रहा है तो थैंक यू के लिए आपका जवाब क्या जाएगा, माय प्लेजर या फिर वेलकम। या तो आप माय प्लेजर बोलेंगे नहीं तो वेलकम बोलेंगे। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ये कुछ पोलाइट फ्रेजेस हैं जो आपको इस्तेमाल करना है। तो एक बच्चा पूछेगा, एक सिनेरियो देगा और इन सिनेरियो में से एक सिनेरियो आप दोगे और दूसरा बच्चा जवाब देगा कि आई विल यूज दिस, आई विल यूज दैट, ठीक है। या मैं इंडिविजुअली भी किसी को बोल सकता हूँ कि आप दो सिनेरियोस दे करके बताओ कि कौन से सिनेरियो में आप कौन सा पोलाइट फ्रेज यूज करोगे। तो वह थैंक यू सो मच, तो वह बताने के लिए कि आपको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। ऐसे रिस्पॉन्स करते रहिए, समझ में आता है सब, वेरी गुड। आपने भी रिस्पॉन्स किया कि आपको समझ में आ गया। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें या आंसर देने के तरीके को नोट डाउन कर लें, दो चीज को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी रिकैप पे आते हैं हम। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखें जरा ध्यान से। पिछली क्लासेस में हमने कुछ वर्ड्स सीखे थे, उन वर्ड्स का इस्तेमाल एक एक एग्जांपल्स हम देंगे, जैसे कि हु सीखा था, आई सीखा था, आई यू वी दे, ठीक है, ही शी इट, आई यू वी ही शी इट, कोई छूट तो नहीं रहा, नहीं लगभग सारे कवर हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, कम से कम चार एग्जांपल्स मुझे चाहिए, फोर एग्जांपल्स मुझे चाहिए, जिसमें हर एक एग्जांपल में, एक एग्जांपल में कम से कम दो वर्ड्स इस्तेमाल होने चाहिए। यहाँ से कम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है, आपको चार एग्जांपल्स देने हैं, मतलब कि चार लाइन अगर हम लिखते हैं तो चार लाइन में कम से कम हर एक लाइन में दो वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। हु इज शी, वेरी गुड, रूबी ने लिखा है हु इज शी, तो देखिए हु का इस्तेमाल हो गया, शी का इस्तेमाल हो गया, दो वर्ड का इस्तेमाल हो गया। अब मैं बोलूं कि आई लव यू, तो आई और यू दो वर्ड का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं, देखिए आई लव यू, तो आई का इस्तेमाल हो गया, यू का इस्तेमाल हो गया, देखा आई यू का इस्तेमाल हो गया। वी हेल्प देम, ठीक है, तो वी का इस्तेमाल हो गया, वी हेल्प, नो वी हेल्प हु हु कैन वी हेल्प, क्वेश्चन बना देते हैं, हु कैन वी हेल्प, तो हु का इस्तेमाल हो गया और वी का इस्तेमाल हो गया। देखा आपने, एक सेंटेंस में दो वर्ड्स का इस्तेमाल हो गया। तो इस तरीके से कम चार एग्जांपल्स आपको लिख के आने हैं प्रेजेंट करने के लिए जूम पे, मुझे चार एग्जांपल्स जूम पे प्रेजेंटेशन में आपका चाहिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एनी हाउ चार एग्जांपल्स के साथ आप आएंगे, एनी हाउ आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और चीज़ें क्लियर हैं। डाउट है कमेंट सेक्शन में अभी पूछिए, अभी का भी कमेंट सेक्शन में पूछिए अगर कोई डाउट है तो। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने पार्ट पे, मुझे उम्मीद आपने उतार लिया, नहीं उतारा है तो वीडियो को बैक करके जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है। जो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है प्लीज नंबर नोट डाउन कर लें, 8888275 इस पे व्हाट्सएप करें ताकि आप 1-to-1 जूम क्लास ज्वाइन कर सके, सर्टिफिकेशन हो सके, सर्टिफिकेट वाला एग्जाम हो सके आपका, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके राइटिंग का प्रैक्टिस हो सके, स्पीकिंग का प्रैक्टिस हो सके, आपके लिए फायदेमंद है। आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो अगली बात कर लेते हैं वीडियो की। आज के दिन मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो भेजने वाला हूं, इसमें केटी के बारे में एक स्टोरी है, ठीक है, केटी की स्टोरी है। आप देखो केटी कैसे परेशान है कि उसको कैसे एक बीस्ट परेशान कर रहा है। बीस्ट मतलब होता है राक्षस को, दैत्य को बीस्ट कहते हैं, भूत, बच्चों को डराते हैं ना भूत करके, वही बीस्ट होता है। तो कैसे एक बीस्ट ने परेशान कर रखा है
केटी को उस वीडियो को देखिए, समझिए और बताइए कि उसकी परेशानी क्या है, केटी की प्रॉब्लम क्या है। आपको जवाब देना है जूम पे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ केटी, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ केटी, केटी की समस्या क्या है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको बताना है कि बीस की जो समस्या है वो समस्या आखिर में है क्या, आपको ये चीज बताना है कमेंट सेक्शन में। आई होप ये चीज क्लियर है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई आपको। अब हम उस चीज की बात कर लेते हैं जो हमने अपने ग्रामर सेक्शन के दौरान करा था। जो बच्चे ग्रामर सेक्शन को अटेंड नहीं किए हैं प्लीज डे वन से देखें और डे वन से क्लास ज्वाइन करें, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, आपका ही फायदा है। तो अब देखते हैं कि क्या हमें सीखना है आगे। आगे हमें सीखना ये है, पहली चीज है डू या फिर कह लें डू, इसको दो हिस्से में बांट लेते हैं, एक हो गया डू, दूसरा हमें सीखना है डू नॉट, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। डोंट इसको पढ़ते हैं डोंट, ध्यान से सुनिएगा डोंट इसको पढ़ते हैं डोंट, या तो डोंट पढ़ेंगे नहीं तो डू नॉट पढ़ेंगे। और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि ये जो आएगा डू लगेगा तो ये जनरली क्वेश्चन वाला सवाल बनाएगा, सवाल बनाने के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, और जब नॉट लग गया तो डू नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव वाला बनाने के लिए करते हैं और डू का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए करते हैं। अब इसमें आगे देख लीजिए, आगे हमारा डज है, डज का इस्तेमाल भी सवाल पूछने के लिए करते हैं, और डज नॉट इसका इस्तेमाल या फिर डजंट होता है, डजंट ठीक है, इसको डजंट कहते हैं, डजंट डजंट डज नॉट साउंड निकालना है ठीक है, इसका इस्तेमाल नेगेटिव के लिए करते हैं। आप देखिए कैसे इससे सवाल बनेगा, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं। अब मैं अगर नेगेटिव बनाना चाहूं तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं। मैं बोलूंगा अगर डू यू गो, क्या आप जाते हो, अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो यू डू नॉट गो। आई होप ये चीजें क्लियर है आपको, चीजें क्लियर है। डू का इस्तेमाल हमेशा कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, वो है आई यू वी या फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट क्या होता है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मतलब आपने ग्रामर सेक्शन को मिस किया है। तो ये जो डू वाला है डू नॉट वाला है ये इस्तेमाल होगा सिर्फ आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, दे के साथ इस्तेमाल होगा, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे कि योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, राम एंड श्याम, तो ऐसे प्लूरल्स के लिए डू का इस्तेमाल होगा। लेकिन डज का इस्तेमाल जो हम करेंगे बेसिकली वो इस्तेमाल करेंगे डज या डज नॉट का ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, या फिर सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। मतलब कि राम आएगा अकेला, श्याम आएगा अकेला, रहीम आएगा अकेला, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। योर ब्रदर, अगर ब्रदर है तो वो डज लगाएगा, अगर ब्रदर्स है तो डू डू लगाएगा, ब्रदर्स एक से ज्यादा हो गया तो डू लगाएगा, ब्रदर है, योर ब्रदर है तो डज लगाएगा। क्लियर है, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए डज है तो कैसे बनेगा, डज शी कुक, क्या वो खाना बनाती है, डज ही डांस, क्या वह नाचता है, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। तो देखिए जब डज आ रहा है डू आ रहा है तो यहां पे क्वेश्चन बन रहा है,
और यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे आई डू टीच, अगर नॉट नहीं लगा के डू लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यू डू, जैसे कि तुवा ने अभी एक एग्जाम्पल दिया है यू डू नॉट हेल्प मी, तो यू डू नॉट हेल्प मी सही है, फुल स्टॉप छोड़ दिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, तो फुल स्टॉप लगाना है तुवा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे यू डू नॉट हेल्प मी सही है, अगर हम नॉट हटा दें यू डू हेल्प मी बोले तो यू डू हेल्प मी गलत हो जाएगा, यू शी डज हेल्प मी गलत हो जाएगा, शी डज नॉट हेल्प मी, ठीक है। अगर पॉजिटिव बनाना है तो बिना डू डज के बनेगा, जैसे कि यू हेल्प मी सही है, शी हेल्प मी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है ये डू डज का मामला आपको समझ में आया। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम डज नॉट ईट, राम ने नहीं खाया। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई। डू का इस्तेमाल हमेशा आई यू वी दे और प्लुरल सब्जेक्ट या नाउन के लिए करते हैं या प्रोनाउन के लिए करते हैं जब ये प्लुरल होगा। अगर सिंगुलर है ही शी इट है तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये क्लियर है तो जल्दी जल्दी फटाफट उतार लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि मुझे नोट्स जो चाहिए कम से कम 3 पेजेस के चाहिए। जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं मैं नोट्स चेक करता हूँ, प्लीज़ वो आपका राइटिंग पार्ट, वो सिर्फ नोट्स नहीं है आपका राइटिंग पार्ट है। सो बराए मेहरबानी इसको उतार लें, वर्ड टू वर्ड उतार लें और मुझे भेजें, जल्दी जल्दी उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने 7th पॉइंट की तरफ। आई होप आपने उतार लिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं डू डज और कैन में फर्क जानने के लिए। तो इससे पहले मैं बताऊं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक करके कि डू डज और कैन में क्या फर्क है, डू डज और कैन में क्या अंतर है। हमने कैन कांड पढ़ा है, कल पढ़ा है ना, तो आज बताइए मुझे डू डज और कैन कांड में क्या फर्क है। डू कह लो या डज कह लो दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है, ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से अलग अलग इस्तेमाल होता है। और कैन में क्या फर्क है इसको पढ़ते हैं। वर्सेस, वर्सेस मतलब अंतर, वीएस मतलब होता है अंतर, डिफरेंसेस। तो डू डज और कैन में क्या फर्क है, डू डज और कैन में क्या फर्क है जल्दी बताइए। डू डज और कैन में क्या फर्क है जल्दी बताइए। अच्छा, डू डज कैन करने से पहले बच्चों यहां पे एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। डू डज कैन से पहले एक एक्सरसाइज देख लीजिए। इसमें जो है एक्सरसाइज जो है यहाँ पे लेसन नंबर 10 डू डज, ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज ए है, ये कहता है आई कैन स्विमिंग, आई कैन स्विमिंग सही है गलत है जल्दी बताइए। 10 seconds, 10, 9, 5, 7, 8, 0 गलत जवाब, आई कैन स्विमिंग गलत है, आई कैन स्विम होगा, कैन के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, ठीक है, तो आई कैन स्विम होगा, आई कैन स्विम। अगला देखिए, शी कैन राइड अ बाइक, कैन के साथ एस लगता है क्या, कैन में एस ई एस नहीं लगाते हैं, ये सिंपल होगा, शी कैन राइड अ बाइक, शी कैन राइड अ बाइक, यहाँ पर से एस हटाएंगे, ये एस हट जाएगा, ठीक है, ये एस हटेगा। एस हट जाएगा, आप ध्यान से देखिए अगला वाला, कैन यू टू प्ले क्रिकेट, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, कैन यू प्ले क्रिकेट होगा, कैन यू प्ले क्रिकेट, टू नहीं लगेगा, कैन यू प्ले क्रिकेट होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला, ही नॉट कैन स्पीक इंग्लिश, तो नॉट का इस्तेमाल हमेशा कैन के बाद होगा, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला देखिए, कैन स्विम दे फास्ट, फिर देखिए सब्जेक्ट आ रहा है बाद में, पहले वर्ब आ गया तो वर्ब को बाद में ले जाएंगे, ये होगा कैन दे स्विम फास्ट, कैन दे स्विम फास्ट। अब अगला देखिए डू डज का इस्तेमाल, तो पहला देखिए यू है तो यू के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, बहुत अच्छे, डू लगेगा, ही के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा,
ही हैव ए ब्रदर, ही के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो ही के साथ डज लगेगा। रवि डांस ऑन स्टेज, तीसरा वाला देखिए, रवि डांस ऑन स्टेज, तो रवि के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, रवि के साथ डज लगेगा, डज रवि डांस ऑन स्टेज, बहुत अच्छा लिखा रूबी ने, ही डज। अगला देखिए, दे नो मी, डू दे नो मी और डज दे नो मी, तो यहाँ पे होगा डू दे नो मी, डू लगेगा। अगला देखिए यहाँ पे, डू वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, तो डू लगेगा वी के साथ या डज लगेगा, तो वी के साथ डू लगेगा, डू वी हैव अ हॉलीडे टुमारो। तो आपको यहाँ पे बीच बीच में एक्सरसाइज भी करवाता रहूंगा आपके स्पीकिंग की किताब की, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और रात को मैं नहीं कराऊंगा, रात में आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या भरेगा, जब भी आपका सेशन टाइमिंग होगा उस टाइम पे आप बताओगे कि इसमें क्या बनेंगे। अब देखिए डू डज और कैन में क्या फर्क है, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई डू नॉट गो, और सेम सेंटेंस को कैन लगा के बनाऊं, आई कैन नॉट गो। अब आपने देखा डू में एस और ईएस लग के डज हो जाता है, लेकिन कैन के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, कैन कैन ही रहेगा, कैंस नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, इसका मतलब हुआ मैं नहीं जाता हूं, मतलब मैं नहीं जाता हूं, ठीक है, मतलब हुआ मैं नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब ये हुआ कि मैं जा ही नहीं सकता हूं, मैं कैपेबल ही नहीं हूं जाने के, मैं जा ही नहीं सकता, और इसका मतलब हुआ कि मैं जा सकता हूं पर मैं जाता नहीं हूं उधर, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूं, नहीं मैं माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकता, तो यहां पर कैन लग जाएगा। पर अगर मैं बोलूं कि दो मंजिल पर मैं चढ़ सकता हूं पर जाऊंगा नहीं, पर मैं दो मंजिल पर चढ़ूंगा नहीं, तो मैं लिखूंगा आई डू नॉट गो ऑन सेकेंड फ्लोर, आई डू नॉट गो ऑन सेकेंड फ्लोर, मैं सेकेंड फ्लोर पर नहीं जाता, क्लियर है। तो यहाँ पे जाने की बात हो गई, रेगुलर प्रैक्टिस की बात हो गई, डू लगेगा डज लगेगा तो रेगुलर प्रैक्टिस की बात हो जाएगी, आपको आता है ऐसी वाली बात हो जाएगी, और कैन आके आपकी काबिलियत बतलाएगा क्लियर क्लियर कि हाँ आप करने के लायक हो कि नहीं लायक हो, क्लियर। इस पे हमारा एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक्सरसाइज टू है, जो कि आप देखो बहुत ध्यान से, या आप लोग ना बुक मैंने आपको भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है प्लीज डाउनलोड करके इस एक्सरसाइज को किया करें, यह आपके ही फायदेमंद है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डू है, डू के साथ बाकी हर सेंटेंस नीचे एक दो तीन चार पाँच, पाँचों में आगे डू लगाएंगे और इस सवाल को डू के साथ बनाएंगे। सेम सवाल को इधर लिखा गया है और इधर में क्या करना है हमें कि कैन लगाना है, यहाँ पे हमें कैन लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे जवाब देने का सिखाया गया है, जैसे कि डू के साथ जवाब देना है और इधर में कैन के साथ जवाब देना है कैन लगा करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज में बता देता हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज में लिखा है डू यू क्लैप आफ्टर क्लास, क्या आप क्लास के बाद क्लैप करते हो, तो होगा आई डू नॉट क्लैप आफ्टर क्लास, मैं क्लास के बाद क्लैप नहीं करता हूँ। अब कोई पूछे कैन यू क्लैप आफ्टर क्लास, क्या आप क्लैप कर सकते हो, अगर मैं बोलूं डू यू शाउट इन द क्लास, क्या आप क्लास के दौरान चिल्लाते हो, तो आप बोलोगे नो आई डू नॉट शाउट इन द क्लास। पर अगर मैं ये बोलूं कि कैन यू शाउट इन द क्लास, क्या आप क्लास में चिल्ला सकते हो, जाहिर सी बात है अगर ऊपर वाले ने आवाज दिया है, वोकल कॉर्ड सही सलामत काम कर रहा है, तो चिल्ला तो सकते ही हो क्लास में, चिल्ला सकते हो कि नहीं चिल्ला सकते हो, तो फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, डू यू सिंग लाइक लता मंगेशकर, आई डू नॉट सिंग लाइक लता मंगेशकर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यू सिंग लता, कैन यू सिंग, अब कैन लग गया, सिर्फ कैन और डू का फर्क है, तो देखो कैसे सवाल बदल जा रहा है, एक सवाल में ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैन सिंग लाइक लता मंगेशकर, मतलब आई मैं गा सकता हूँ तो आई कैन, नहीं गा सकता तो आई कैन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए डू दे हेल्प मी, एक सवाल है डू दे हेल्प मी, क्या वो लोग मेरी मदद करते हैं, तो इसका आंसर होगा
दे डू नॉट हेल्प मी। अगर नेगेटिव जवाब बनाना है तो डू लगाएंगे, अगर हमारा जवाब पॉजिटिव है कि हाँ बंदा मदद, वो लोग मदद करते हैं, तो हो जाएगा दे हेल्प मी। तो देखो जब पॉजिटिव लगा तो यहाँ पे डू गायब हो गया, यहाँ पे डू गायब हो गया, लेकिन जब नेगेटिव बना तो डू था। अब सेम सवाल कैन लगा के पूछ लेते हैं, कैन दे हेल्प मी, क्या वो लोग मेरी मदद कर सकते हैं। अब जो करेगा कि नहीं करेगा तो बात की बात है, नहीं करने के लायक है कि नहीं इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे होगा दे कैन हेल्प मी, वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं। और नेगेटिव भी बनाएंगे तो दे कैन केस में कैन नॉट हेल्प मी। अब देखो कैन के केस में आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखो या नेगेटिव सेंटेंस लिखो, यहाँ पे कैन का इस्तेमाल होगा, कैन लिखा जाएगा। पर डू या डज के केस में अगर नेगेटिव रहेगा तो डू लगेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो डू नहीं लगेगा, डज नहीं लगेगा। आई होप ये जो डिफरेंस है, ये जो फर्क है, आपको समझ में आया, आपको क्लियर है। इस फर्क को जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे उम्मीद आपने ये उतार लिया है। ये सारे पॉइंट्स मैं आज जूम पे आपको पूछने वाला हूं, तो तैयार रहे इसके लिए। अगला फर्क हम देखते हैं दो चीजों के बीच में, ये फर्क जानना बहुत जरूरी है ताकि फर्क जानने से हमारे बीच गलतियां नहीं होती हैं। अगला फर्क जानते हैं डू डज और डिड के बीच, डू डज और डिड के बीच। ये फर्क हमने टेंसेस के दौरान भी जाना था, मैंने बताया था, अगर भूल गए हो तो चलो आज एक रिवीजन सा हो जाएगा। डू डज का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान काल के लिए, कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो डू डज लगेगा, पास्ट टेंस अतीत की बात करेंगे, कल की बात करेंगे, बीते हुए कल की बात करेंगे तो डिड का इस्तेमाल होगा। ये क्लियर है, बाकी रूल डू डज और डिड का जो है लगभग सेम ही है। अब देखिए एक सवाल मैं पूछता हूं, जैसे कि डू यू गो, क्या आप गए, इसी को अगर डिड लगा के बनाएंगे तो डिड यू गो। तो एक सवाल बना डू से, सेम सवाल बना डिड से, तो डू का मतलब है कि मैं आज की बात कर रहा हूं, क्या आप गए, आज की बात हो रही है। अगर डिड का इस्तेमाल कर दिया मतलब हम पिछले बीती हुई बात, यहाँ क्या तुम गए थे, क्या तुम गए थे उसके यहाँ दावत में, तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम गए हो दावत में आज, अगर मैं ये बोलूँ क्या आप दावत में गए हो, किसी का दावत था आज तो क्या आप गए हो, डू यू गो, तो डू यू गो हो जाएगा। क्या तुम दावत में गए थे या तुम दावत में गए, अगर था वाला है कोई एक दिन पहले की बात हो रही है तो डिड यू गो हो जाएगा, और ताजी बात है, आज की बात है, आज के हालात है, तो डू लग जाएगा। और यहाँ पे भी डू लगेगा यू के साथ, अब देखो इसका आंसर हो जाएगा आई गो, और इसका आंसर अगर होगा तो हो जाएगा डू यू गो, तो इसका आंसर हो जाएगा आई गो। डिड यू गो, तो इसका आंसर बंदा क्या देगा, आई वेंट, हाँ मैं गया था, हाँ मैं गया था। तो देखो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये हमने टेंशन में पढ़ा है, बार बार नहीं रिपीट करूंगा, वीडियो लंबी हो जाती है बेवजह। आपने अगर नहीं देखा है टेंसेस की वीडियो को सही से कंप्लीट नहीं देखा है तो पीछे जाएं और डे वन से डे 13 तक कंप्लीट करें, टेंसेस अपना पूरा सही से पढ़ लें, तब आकर क्लास को कंटिन्यू करें, वरना आगे आपको और प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि टेंसेस कभी जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी होता है टेंसेस। तो अब अगला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक डज शी डांस, क्या वह नाच करती है, तो इसका जवाब होगा शी डांसेस। अगर पॉजिटिव हुआ तो शी डांसेस, अगर नेगेटिव बनाना है तो हो जाएगा शी डज नॉट डांस, वो नहीं नाचती है। सेम सवाल को आप डिड लगा के बनाते हैं यहाँ पे, तो डिड हो जाएगा डिड शी डांस, क्या उसने नाच किया, तो इसका पॉजिटिव वाला हो जाएगा शी डांस्ड,
उसने नाच किया, फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव वाला आंसर है कि उसने डांस नहीं किया तो हो जाएगा शी डिड नॉट डांस, उसने नाच नहीं किया। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। देखिए यहाँ पे डू यू गो तो पॉजिटिव आंसर था तो आई गो हो जाएगा। अगर यहाँ पे डज शी डांस है, अगर पॉजिटिव आंसर है तो शी डांसेस हो जाएगा, अगर नेगेटिव आंसर है तो हो जाएगा शी डज नॉट डांस। अगर नेगेटिव आंसर है तो डज आ जाएगा और डांस का डांस ही रहेगा, डांसेस नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? अब डिड जो पास्ट टेंस की बात करें तो डिड शी डांस तो शी डांस्ड, और इसी का नेगेटिव होगा तो हो जाएगा शी डिड नॉट डांस। आप देख रहे हो जब डिड है, अगर डिड है तो ईडी नहीं लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पर डज है तो एस ई एस नहीं लगा है। इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए, यह आपको फर्क समझने में बहुत मदद करने वाला है। इसको नजरअंदाज ना करें, जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लें, तब हम आगे एक्सरसाइज सी कर लेंगे। मैं एक्सरसाइज सी करवा देता हूँ यहाँ पे, जो बच्चे क्लास अटेंड करेंगे वही परफॉर्म करेंगे जूम पे, उन्हीं की इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस हुई होगी। अब देखिए एक्सरसाइज सी यहाँ पे, एक्सरसाइज सी को देख लेते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज सी यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, डू लगा हुआ है, डू लगाना है सबके आगे। जैसे कि डू यू ईट लंच एवरी डे, यहाँ पे देखिए डू यू ईट लंच एवरी डे, डू सबके आगे लगेगा, एक दो तीन चार, चारों के आगे डू लगेगा और आंसर करना है। फिर यहाँ पर डिड है तो डिड चारों के आगे लगेगा, सवाल सेम है, सिर्फ देखो ध्यान दो दोनों में सवाल सेम है, बस डू लगाना है इसके आगे और इधर में डिड लगाना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे डू यू ईट लंच एवरी डे, क्या आप रोज दिन खाना खाते हो, तो आंसर होगा आई ईट लंच एवरी डे। सही बात है, हम लोग खाना तो रोज खाते हैं, ना खाए तो मर ना जाए, खाना तो सबसे पहले खाएंगे चाहे पढ़ाई करें ना करें। अब आगे देखिए अगला है, डू वी गो टू मार्केट नाउ और लेटर, क्या आप अभी या बाद में मार्केट जाते हो, तो होगा वी गो टू मार्केट नाउ और लेटर। ठीक है, सिर्फ डू को हटा देंगे। अब आगे देखो डिड वाले मामले में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड यू ईट लंच टुडे, तो आंसर था नो आई डिड नॉट, नो आई डिडंट ईट लंच टुडे, नो आई डिडंट ईट लंच टुडे, नहीं आज मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि ये डिड वाला है तो आज की बात हो रही है और डू का मतलब रेगुलर हैबिट की बात हो जाएगी। यहाँ पे आएगा डिड वी गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या आप मार्केट गए थे कल, तो होगा नो नो वी, हाँ नो चाहे यस, नो या यस, यस वी गो टू मार्केट यस्टरडे, तो गो यस वी गो नहीं होगा, यस वी वेंट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, जब पास्ट टेंस में बात करेंगे तो हो जाएगा यस वी वेंट टू केच यस्टरडे हो जाएगा। अब देखो दे सिंग, अगला तीसरा वाला, डू दे सिंग और डांस, तो उसका हो जाएगा यस और नो, दे सिंग और डांस, यहाँ पे डिड दे सिंग और डांस, तो यहाँ पे होगा यस और नो, दे सैंग, सिंग का हो जाएगा सैंग, सिंग का हो जाएगा सैंग और डांस का हो जाएगा डांस्ड। ठीक है, अगला वाला आप खुद से करना, नहीं होगा तो मुझे जूम पे पूछना। क्लियर है? आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अगले एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, अगली चीज़ समझ लेते हैं जल्दी से। तो अगला हमारा है एक डाइस गेम, आप लोगों को रात को जूम पे एक डाइस लेके आना है। डाइस किसको कहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये डाइस क्या होते हैं, तो हम खेलने वाले हैं एक डाइस गेम जूम पे। डाइस होता है लूडो का गोटी, ठीक है, लूडो जो खट खट करके फेंकते हैं, वो जो चारों तरफ कुछ डॉट्स लगे होते हैं, एक लिखा होता है दो तीन चार पाँच कुछ लिखा होता है, वो होता है डाइस, जिसको एक डब्बे में डाल के करके फेंकते हैं, तो वो हो गया हमारा डाइस। तो डाइस हमें लेकर आना है रूम क्लास के टाइम पे, क्योंकि डाइस का इंतज़ाम होना चाहिए तभी आप अगली एक्टिविटी कर पाओगे, क्योंकि अगली एक्टिविटी एक एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है ना, स्टार्ट करना है, अगर आपका 5 आएगा तभी आप गेम स्टार्ट करो, 6 आएगा तभी गेम स्टार्ट करोगे, जैसे 6 आएगा गेम स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे आप भरोगे, जैसे कि मान लो 6 के बाद 1 आया तो आप इस वाले को भरोगे, अगर 6 के बाद 2 आया तो इस वाले को भरोगे, 3 आया तो ये, आगे बढ़ गया तो लूज़ अ टर्न, मतलब आप कुछ नहीं करोगे,
इसी तरीके से बढ़ते चलोगे बढ़ते चलोगे बढ़ते चलोगे आगे, इसकी 5 बॉक्सेस। जैसे यहाँ पे पहुँचोगे, मान लो कि आपने यहाँ पहुँचे हो, आपको ऐसा कोई गोटी आया कि आप यहाँ से इस पे आ गए, यहाँ पे थे 2 आया तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ आओगे मतलब इसकी 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्से लांग सकते हो। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आप, गो बैक 4 बॉक्सेस, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ वाला भरोगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते भरते हुए हमें फिनिश तक पहुँचना है, जो सबसे पहले भर लेगा वो जीत जाएगा। सबके डाइस पे तो मैं नजर रखूंगा ही जूम पे। ठीक है, आई होप ये डाइस गेम आपको समझ में आया, और ये डाइस एक्टिविटी आज होने वाली है, तो डाइस एक्टिविटी हम करेंगे जूम पे और खेलेंगे जूम पे डाइस एक्टिविटी भी। यस, उसके बाद हम चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा जंबल एक्टिविटी है। जंबल एक्टिविटी के लिए पहले मिटा लो, आगे हम करेंगे जंबल एक्टिविटी। तो इसमें क्या करना है, एक स्टूडेंट को आप लोग डू डज डिड कैन, डू डज डिड कैन, देखो डू डज डिड कैन, इन 4 से कम एक एक सेंटेंस बना के रखोगे, 1 2 3 4, 4 सेंटेंसेस बना के रखोगे। जैसे कि और सेंटेंसेस कैसे बना के रखोगे, जैसे कि इससे सेंटेंस बनता है डू आई प्ले, तो आप सवाल को अपने सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखोगे, आप उलट पुलट दोगे, जंबलिंग कर दोगे इसको। जैसे कि लिखोगे प्ले आई डू क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से जंबल वाला आप दिखाओगे स्टूडेंट 1 को, स्टूडेंट 1 दिखाएगा ये, तो स्टूडेंट 2 का काम है कि जवाब दे ये सेंटेंस आखिर है कौन सा। अगर स्टूडेंट 2 ने ये वाला आंसर जवाब दिया डू आई प्ले, मतलब कि वो जीत गया, उसके 1 पॉइंट हो गए। इसी तरीके से हम खेलने वाले हैं 2 ग्रुप बना करके। ठीक है, 2 ग्रुप बनाएंगे, 1 ग्रुप दूसरे ग्रुप से पूछेगा, तो इसके लिए आपको कम से कम हर बच्चे को 4 सेंटेंस तैयार करके रखने हैं कम से कम। अब मान लो दूसरे चांस आया, दूसरे जैसे ही इसने जीत लिया, तो जैसे ही स्टूडेंट 2 का मौका मतलब 1 नंबर आ गया, तो अब स्टूडेंट 2 पूछेगा, तो मान लो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 1 से पूछेगा, तो स्टूडेंट 2 क्या करेगा, अपने कॉपी पर लिखेगा और कैमरे को दिखाएगा, स्टूडेंट 2 क्या दिखाएगा, तो वो अब मान लो डिड से पूछेगा, तो डिड नॉट कम आई यू टू क्वेश्चन मार्क, मान लो कि इसने थोड़ा लंबा वाला पूछ दिया, पूछ सकता है डिड नॉट कम आई यू टू, अब इसको सही करके बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ कि इसका सही वाला क्या होगा, इस जंबल को सॉल्व करो। तो स्टूडेंट 1 सोचेगा अरे भैया इसने तो लंबा वाला बता दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब सोचेगा 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है। तो बच्चों 10 सेकंड के अंदर जल्दी से बताओ कि इसका सही फॉर्म क्या है, जंबल फॉर यू, इन कमेंट सेक्शन प्लीज रिप्लाई फास्ट, कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आप लोग समझ गए हो, जवाब लिख रहे हो, तो इसका सही वाला होगा आई डिड नॉट कम टू यू, इसका सही होगा आई डिड नॉट कम टू यू, और क्योंकि इसने क्वेश्चन बना दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन का भी तो इस्तेमाल करना होगा, तो इसका सही वाला होगा डिड आई नॉट कम टू यू, तो अब ये सही हो गया डिड आई नॉट कम टू यू, तो ये सही अरेंजमेंट हो गई कि नहीं हो गई। इस गेम से पहले बच्चों आप लोग एक्सरसाइज डी एक दूसरे से पूछोगे, एक्सरसाइज डी को भी जितने एक्सरसाइज मैंने अभी कैमरे पे आपको दिखाए हैं ए बी सी डी, सारे को आप पीडीएफ में से निकाल करके सॉल्व करके रखोगे आपस में एक दूसरे से पूछने के लिए, तो आपके पास होने चाहिए। अब देखो पहला वाला डू यू हैव, पहला वाला देखो डू यू हैव डू हैव यू पेन अ, तो इसका सही वाला यहाँ पर बना के दिखाया है डू यू हैव अ पेन, बनाया ना। अब देखो दूसरा वाला लाइन देखो यू हैव सॉल्ट डोंट, तो अब इसका सही क्या बनेगा,
मैं जवाब बता दे रहा हूं अभी, इसका सही बनेगा डोंट यू हैव सॉल्ट। तीसरे का जल्दी से बना के दिखाओ मुझे, फुल स्टॉप के साथ है, देखो फुल स्टॉप भी है इसमें, द है, आई है, डोंट है, नो है, आंसर है, तो इसका क्या होगा सही, जल्दी से बना के बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। 10 सेकंड, 10, 9, 5, 0, खत्म टाइम। नाउ मेरा आंसर सुनो, आंसर क्या होगा, आई डोंट नो द आंसर, फुल स्टॉप। अगला एक्सरसाइज देखो, योर डोंट आई हैव लेटर्स, फुल स्टॉप, तो इसका सही क्या बनेगा, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इसका सही बनेगा आई डोंट हैव योर लेटर्स, मैं आपके पत्र नहीं रखता हूँ, फुल स्टॉप। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया, आपको बनाने में मज़ा आया, आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। तो जंबल के लिए हर बच्चे को कम से कम 4 सेंटेंसेस तैयार करके लानी है, इस तरीके से बिगाड़ करके 4 सेंटेंसेस लाने हैं पूछने के लिए सेकेंड स्टूडेंट से। अगर उसने जवाब दे दिया तो उसके 1 पॉइंट, अगर वो हार गया तो उसके 0 पॉइंट। इस तरीके से राउंड्स चलेंगे, 1-2 राउंड रैपिड फायर राउंड्स चलेंगे। आई होप इस गेम के लिए भी आप तैयार हो, जंबल एक्टिविटी के लिए। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बटेंगे और ग्रुप डिस्कशन करेंगे एक सवाल पे, वो सवाल बहुत कॉमन सा सवाल है, सॉरी पीओडी वाला लिख देता हूँ, बहुत कॉमन सवाल है, वो सवाल है व्हाट डिड यू लर्न इन टुडेज लेसन 10 डू एंड डज। आज के लेसन डू एंड डज में आपने क्या सीखा, इस पे कम से कम 5 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होगा, क्लियर है, ये डिस्कशन हमें करना है आज। आज जब भी जो भी इस ये लिंक आपके ग्रुप में जाएगा, आज आपको इस पे ग्रुप डिस्कशन करने का मौका मिलेगा छोटे छोटे ग्रुप्स में, और कोई भी एक बंदा आपके ग्रुप से जवाब देगा डिटेल में, तो पता चल जाएगा कि आपने अच्छी ग्रुप डिस्कशन करी है या नहीं करी है। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, वो है कि कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था हु इज योर रोल मॉडल एंड व्हाई, सो आपका रोल मॉडल कौन है क्यों, सो माय रोल मॉडल इज माय मदर बिकॉज शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। मेरी रोल मॉडल मेरी माँ है, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदारी से अपने सारा काम करती हैं। शी वर्क्स मींस सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग टू नाइट टिल नाइट 10 o'clock अप्रोक्स, 10 or 11, मतलब सुबह से लेकर रात तक होता है उनका मामला, और सारे मतलब स्टेबली से अरेंज है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट चीज़ है, जो एक चीज़ मैंने उनसे सीखा दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। मैंने अपनी जॉब में अपनी स्टडीज़ के दौरान कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए काम टाइम नहीं था, बिकॉज आई लर्न टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम हर अलॉट, दैट इज रियली फैंटास्टिक अबाउट हर दैट शी नोज हाउ टू मैनेज टाइम। अगर आपको ये पता है, अगर आपने ये सीख लिया अपनी ज़िंदगी में कि टाइम मैनेज कैसे करना है, यू विल विन द मैच, आप जिंदगी के सारे मैचेस जीत जाओगे, सारी चीज़ों में जीत जाओगे। नहीं तो मोस्टली लोगों के कंप्लेंट्स ये होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे वक्त नहीं मिला, समय नहीं था, तो समय निकालना पड़ता है, होता नहीं है, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं पिरामिड वाले गेम का आंसर। तो बच्चों आप बताओ कि पिरामिड वाले गेम का आंसर क्या है, जल्दी बताइए। मैंने कल एक पिरामिड बनाया था यूं, 1, 2, 3 और ये था 4 डॉट्स। मैंने बोला था कोई भी 3 डॉट्स को अपनी जगह से हटाओ और इस पिरामिड को उल्टा कर दो। तो मैम आके कोशिश करेंगी और बनाने की, आइए मैम जल्दी ही फटाफट। जल्दी आइए, तब तक मैं बता देता हूँ अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लेसन नंबर 11। इसमें मैं आपको बताऊंगा
मी मस्ट माइट। ये बहुत ही खास चीज है, इसका ऐसा फर्क और ऐसा डिफरेंस और सामान्यता, अंतर और सामान्यता बताऊंगा, ऐसा यूज करना बताऊंगा कि जिंदगी में इनके इस्तेमाल में, इनके फर्क में जो एक बारीक सा फर्क है, हल्का सा फर्क है, वो फर्क भी नहीं भूलोगे जिंदगी में कभी भी, और इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे। इसका सब बच्चे में माइक मस्त करना शुरू करेंगे कल के बाद से। हाँ तो चलिए मैम को अपॉर्चुनिटी है, ये मैम आइए। तो चलिए मैम को देखते हैं क्या करती हैं आज। आइए, उसने तो कह दी थी ना ये तो बड़ा आसान है, कल मैम बोल दी ये बहुत आसान है, मैं तो यूं कर लूंगी। तो आज देखते हैं मैम कैसे यूं कर लेती हैं। यहाँ यहाँ उसी के नीचे बनाइए ना, कैमरे पे नजर आना चाहिए। आपने ढक दिया कैमरे को, उल्टा थोड़ी ना कर देना है। क्या उल्टा? मैम को देखो, ये तो अलग ही तेज है। इसमें तीन डॉट्स को मूव करना है, एक दो तीन, तीन को मिटा के मैम ने क्या किया है, अच्छा तीन को मिटा दिया है। ओके, तीन तीन छह को मिटा दिया आपने। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, आप सिर्फ तीन ही डॉट्स को मिटा सकती हैं। अच्छा तीन ही? हाँ लाइए बनाने दीजिए। देखिए एक दो तीन, एक दो, आप सिर्फ तीन ही डॉट्स को मिटा सकती हैं और दोबारा लिख सकती हैं। सिर्फ तीन डॉट्स को मिटाएंगी, उसके अलावा नहीं, चौथे को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ तीन डॉट्स को। बच्चों अगर आपका हो जाए तो बना के रखना जरूर, मुझे दिखाना, अभी के अभी भेजना व्हाट्सएप पे, मैं देखना चाहूँगा। आप उसी को बनाइए ना जो मैंने बनाया है, बस तीन डॉट्स मिटा दीजिए। नहीं नहीं इसको नहीं करना, ऐसे नहीं उल्टा करना, तो? इसी को उल्टा बना देना है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ तीन डॉट को डिलीट करना है, सिर्फ तीन डॉट, चौथा टच नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर इसको डिलीट करती है, इसको करती है, इसको करती है, सिर्फ तीन को डिलीट करना है, चौथे को टच नहीं करेंगे, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए। वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा थोड़ी ना होगा। जल्दी बताइए कि सिर्फ तीन डॉट्स को, थोड़ा साइड हो जाइए, दिखाइए इसको। हाँ बस सिर्फ तीन डॉट्स को आपको डिलीट करना है, या तो इन तीनों को सिलेक्ट करो, या तो इनको, या इन तीन को, या तो इन तीन को, किसी भी तीन को ही आप डिलीट कर सकते हो और जगह बदल सकते हो, चौथे को टच नहीं करना है। नहीं बन रहा मैम, नहीं बन रहा। थैंक यू मैम इतना करने के लिए, थैंक यू। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे होगा। ये सिर्फ तीन डॉट्स को हम मिटाएंगे और इस पिरामिड को उल्टा कर देंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले को डिलीट करेंगे, ठीक है? फिर मैं डिलीट करूंगा किसको, इस वाले को, फिर मैं डिलीट करूंगा इस वाले को। दिखाई दे रहा है कैमरे में? आई होप कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कैसे ये उलट जाएगा। मैं सिर्फ एक दो और तीन, इन तीन डॉट्स को अपनी जगह से हिलाऊंगा, हटा के कहीं और पहुंचाऊंगा और ये पिरामिड उल्टा हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, ये पिरामिड का ये डॉट यहाँ से मिटा और ये गया आगे, तो ये डॉट यहाँ पे आ गया। देखो ये डॉट आ गया यहाँ पे, वन वन नंबर दे देते हैं इसको, तो पहला डॉट यहाँ आ गया। अब ये डॉट यहाँ से हटेगा और ये डॉट यहाँ से हटेगा और ये डॉट जाएगा यहाँ, ये डॉट जाएगा ये यहाँ। ठीक है देखो बन गया। हाँ। अब देखो, अब हमारा जो पिरामिड था उल्टा, वो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया पिरामिड, देखा था ना इंटरेस्टिंग? आपने ध्यान से देखा हो तो समझ आ गया होगा। मैंने ऐसा ही बनाई थी, पर आपने मैम उठा के उल्टा बना दी थी, सारे डॉट्स आपने नए रखे थे। मैंने बोला था सिर्फ तीन डॉट को आप टच कर सकते हैं। आई होप ये थ्री डॉट्स का कॉन्सेप्ट और ये आपको देख के मजा आया होगा। बच्चों अगर आप ऐसे बच्चे यहाँ पर कोई हैं
जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे एडमिशन फॉर्म है और क्लिक करके एडमिशन फॉर्म फिल करें, या फिर नंबर यहां पे लिखा हुआ था मेरा, आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले लें, जूम पे क्लास करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू टुमारो इन द सेम क्लास ऑन द सेम टाइम, सी यू बाय, टेक केयर, ये सी यू, सो स्टैनफोर्ड से फिर से मिलेंगे, यस, और सीखेंगे ढेर सारे इंग्लिश और फंडामेंटल चीज़ें और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आगे सीखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।